जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो सिद्धानं नमो आयिर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाहूनं वंदित सब सिद्धि धूम चलमणो गंगेन्द्रपस्ते बोच्छामि समय पाहुल विडमाशुद के विली भनिदन नमः समय साराय सानुभूत्या चकासे चिस भावाय भावाय सर्व भावांतर सारा जगत क्रियाओं की तरफ से देखता है, देखता है इसलिए व्यवहार में से उसे फंसा हुआ कहते भी हैं कि जी बहुत पाप करता है, बता दुकानदारी कर रहा है, युद्ध कर रहा है, कितने खोटे परिणाम, लड़ाई लड़ रहा है, छन गया, शादी कर रहे हैं, देखो देखने की पद्धति है। बताओ आपको लग सकता है इतनी प्रवृत्ति, इतने भोगों में उलझा हुआ आदमी, करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी, बहुत बहुत कमाए धमाने में लगा हुआ आदमी, युद्ध में फंसा हुआ आदमी, वो बंधु को प्राप्त नहीं हो रहा होगा, आपको समझ आती है? ऐसा लगता है वहां से छूटेगा तो ही बंधे, तो ही मोक्ष होगा उसका। ये गाथा है, वहां से बचने का मार्ग बता रही। देखो आप इसके बल पर छूटोगे, व्यापार धंधा करते हुए भी, विवाह करने पर भी, युद्ध होने पर भी, वो हो कोई जीव बंध से छूट सकता है, वो विधि इसमें सब क्या विधि है। क्यों हम सबको ऐसा लगता है पहले हम छूटे तो कुछ करें, यही तो लगता है। धर्म करना किसको सरल है? सुमत प्रकाश जी को सरल, कोई आफत नहीं, सुबह से शाम तक अपने आराम से भोजन करो, आराधना करो। किसना छोड़ने से नहीं छूटते, छूटने वाला छोड़ पाता है। जिनी संज्ञा ही क्या छूट, जो अंदर बंद से छूटता है ना, विरक्त होता है, वो ही छूटता है। फिर से कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है हम इतनी सुबह शाम तक लगे हुए तो हम कैसे समय दर्शन कर सकते हैं, हम कैसे कर्मों के बंद से छूट सकते हैं। अभी भी आपको ऐसा लगता है जैसे घर माने जकड़ लिया हो किसी ने, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, व्यापार धंधा, लड़ाई झगड़ा, मानो इसने हमें कोई जकड़ के रखा हो। सुनो इसी का नाम हो गया है, उसने नहीं झगड़ा, तुम वेद विज्ञान नहीं कर पा रहे इससे झगड़े जा रहे हो। कहते हैं हिंदुओं की कथाओं में आता है, रामायण में जनक बोले साधु से, ये राजकाज ने मुझे पकड़ रखा है, घर परिवार ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे छूटू? मैं तो बहुत छूटना चाहता हूँ लेकिन राजकाज ने मुझे पकड़ रखा है, कर्तव्यों ने मुझे बहुत पकड़ रखा है, मैं क्या करूँ? इतना काम है मेरे सिर पर, इतनी जिम्मेदारी है, मैं नहीं हूँ तो इस देश का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चे छोटे हैं, ऐसे तमाम जो जो उनकी बातें होंगी। उन्हें क्या ऐसा करना, कल तो हमें आश्रम में आना, आओ आई दूसरे दोपहर में आश्रम में पहुंचे, जैसे भी आए तो उन्होंने खंभा पकड़ ली खंभा पकड़ ली,
हे राजन मुझे इस खंभे से छुड़ाओ तो मैं तुम्हें उपदेश दूं। इस खंभे ने पकड़ रखा है मुझे। राजा हंसने लगा कि ऐसे मुंह रखो, आप काहे के राज साधु हो, खुदा ही ने तो पकड़ रखा है, छोड़ दी, खंभा कैसे पकड़ सकता है तुम्हें, छोड़ दी। बस राजन यही हम कहना है, छोड़ दिया। तो उसने नहीं पकड़ रखा, तुमने पकड़ रखा है। भूमिका समझ गए, भूमिका अभी भी ऐसा लगता हो तो तुम ही झकड़े हो, कोई नहीं झकड़ा तुमने, मृत्यु हो जाएगी तो जकड़ लेंगे सब लोग, कहे मृत्यु हो जाएगी सब जकड़ लेंगे, ये बेटा तुम्हारा कर्तव्य हमारे प्रति, बेटा 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 पापा पापा मम्मी, पकड़ लिया कोई। सब थक गए सामन हारे, पर हो गए हमसे न्यारे, माटी में मिलेगी देह होएगी खे, इसी के नेह पड़ा भव धरना, अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा सरना। अब कैंसर हो जाए तो घर वाले बचाए कौन कौन रोक लेगा बता, आत्म कल्याण के नाम पे तुम निकलना नहीं चाहते इसलिए पकड़ो, जिन्हें नहीं पकड़ा अब प्रश्न में आ गया तो उत्तर देंगे। गाथा नंबर 198 है, गाथा नंबर 198 कल की बात से करें तो सेता हुआ नहीं सेता, भोगता हुआ नहीं भोगता, करता हुआ नहीं करता, लड़ता हुआ नहीं लड़ता, ऐसे कैसे पांडे जी लड़ रहे थे हमारे सामने, अरे तुम्हें नहीं मारा, लड़ता हुआ नहीं लड़ता, खाता हुआ नहीं खाता, जी कैसे गए पर, अब हमें तो चरम शक्ति से ऐसे दिखाई दे रहे, हंस रहे थे खा रहे थे, अब उसका उत्तर दे रहे बढ़िया। 158 नंबर की गाथा है, निर्जरा अधिकार की गाथा है कि निर्जरा कैसे होती है, प्रश्न निर्जरा कैसे होती है, पुराने कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हुए भी निर्जरा कैसे हो जाती है, तो मूल शब्द तो वही है ज्ञान बैराग का बल है, निश्चय से ज्ञान बैराग का बल है। अब उसका लॉजिक देते किसने, 158 नंबर की गाथा ध्यान से सुनना, बस शॉर्टकट है एकदम। कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने कहे, ये क्या है, ये तुम प्रश्न सुन रहे जी क्या है, कर्मों का विपाक उठ के चले गए, कौन चला गया उठ के, उठ के कौन चला गया, कर्मों का ही विपाक है, गोष्ठी कौन लगा रहा है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं गोष्ठी लगाना, ये तो लग रहा है, ये तो लगना है, गोष्ठी की व्यवस्था होना है, कौन कौन के शरीर का निमित्त बनना है, कौन कौन के मन वचन काय का निमित्त बनना है, वो तो नकिया है, तुम्हारे देह के निमित्त होना तो तुम्हारे देह के निमित्त हो जाएगी, तुम्हें लाभ नहीं होगा, तुम्हें लाभ नहीं होगा, तुम्हारे निमित्त से बहुतों को लाभ हो जाएगा, तुम्हें लाभ नहीं, तो हमें लाभ कैसे हो, कि समझो तुम गोष्ठी के करता तुम नहीं हो, विपाक है, बड़ा पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय है, पुण्य अच्छे काम करने को मिलना ही पुण्य का उदय, छोटे काम करने को मिलना ही पाप का उदय, तो अच्छा तुम्हारा कोई पुण्य का उदय है, इसे तुम लगे हो बैठे हो आ गए, सफाई कर दी, जिनमानी विराजमान कर दी, बहुत काम करने लगे, कर्मों का विपाक है। अब तुम बोलो क्या लग रहा है, मैंने किया पर तो कोई नहीं समझा, तो हम गए हमारे हमने कही, हम नहीं होते तो हमने कही, और आप नहीं करा दो ही मर गए, लोग व्यवहार तो रह गए था, ध्यान रखना लोग व्यवहार रहेगा, ज्ञानी ऐसा बोलते हैं मैंने ऐसे भी लगाया, लेकिन अंदर अंदर क्या कर रहे हो, कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने कहे, याद हुआ, कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने कहे,
बिन मुझ स्वभाव जो है नहीं मैं एक ज्ञायक भाव। ये देखो मैं ज्ञायक भाव, मैं ज्ञायक भाव, हमने कुछ नहीं किया, कर्मों के विपाक का काम हो रहा, हम क्या करें, कर्मों के विपाक में सब काम हो रहा, हम ज्ञायक है। अरे कितना सरल हो गया, कल बताई दीजिए, एकत ममत करतत भोक्तत बुद्धि हट गई, ज्ञायक है। मुझ स्वभाव जो है नहीं, कौन, ये हमारा काम थोड़ी है। उन्नीस तीर्थंकरों का विवाह हुआ, वो हमारा काम थोड़ी है कि हुआ है, कर्म के उदय में हुआ, हमारा काम थोड़ी है। सुनो, उसका बंध नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ, निद्रा हो जाएगी। अशुभ भाव का अहंकार, मैंने किया, मैंने स्थिति लगाई, मैंने काम किया, मैंने पूजा की, मैंने विधान किया, है ना, शुभ भाव का अहंकार, वो भी कर्म के उदय का विपाक है। अजीब अधिकार नियम सार जी में लिखा है, पुद्गल का वर्णन करते करते, पुद्गल का वर्णन करते करते फिर पद्म प्रमोद धारी मुजाज लिखते हैं, पूरा वर्णन लिख दिया पुद्गल का, बहुत अच्छा वर्णन लिखा है वहां पुद्गल का, फिर आखिरी में लिखते हैं पुद्गल के वर्णन के बाद, ओहो ये पुद्गल नहीं हो तो जीव की लोक यात्रा हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती, जीव की लोक यात्रा, क्यों, आठ कर्म से रही लोग यात्रा करके बता, जिम प्रोजन कर रहे हैं ये लोक यात्रा है। ये भाषा वर्णा ना हो, एक शरीर ना हो, पुद्गल है ना पुद्गल, ये लोक यात्रा करा है। अब अपनी भाषा में बोले तो लोक में भटका रहा है, लोक में घुमा रहा है, लोक में रुला रहा है, चार गति चौरासी में रखड़ा रहा है। एक सावधान है ना, ये अपना काम नहीं है, ये प्रवचन करना अपना काम है, तो किसका काम है, फिर पढ़ो, कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने करी। ये कौन करा रहा है, तुमने ऐसी गलती करी, व्यापार में घाटा हो गया, तुमने ऐसी करी, हमने ऐसे करी, तुमने खा खत्म कर दिया पैसा, इतना घी था खत्म कर दिया, कौन खाए और कौन खत्म करे। पंडित जी सब मूर्ख है, हम ऐसे दुकान चला रहे, ऐसी दुकान चलाई, अरे कहाँ लगे तुम, एक भी व्यक्ति दुकान के चलाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा भगवान के केवल ज्ञान में। रेल मंत्री रेल चलाता है, रेल मंत्री रेल चलाता है, कैसे चलाता है बताना, इंजन से चलाता है, झंडी से चलाता है, सिग्नल से चलाता है, पटरी बदल के चलाता है, कैसे चलाता है, चलती हुई ट्रेनों में कुछ कहा गया था, कुछ कहा गया था ना, ये जानकारी सामने आए, इंजन में थोड़ी बैठता है वो, ना सिग्नल देता, ना स्टेशन मास्टर बनता, वो कुछ नहीं करता। एक गायक है, जब एक्सीडेंट हो गया तो कहता है हमारी क्या गलती है, देखो ये भेद विज्ञान, हमारी क्या गलती है, वो बस ऐसी ऐसी गड़बड़ हुई एक्सीडेंट, हम क्या करें, पता हमें जानबूझ के गिराई गया कि नहीं, जानबूझ के तो नहीं गिराई, लेकिन तुम्हारा इसी पर लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम उसके कर्ता बन रहे थे, अच्छी चल रही थी ट्रेन में 10 साल से, तो तुम्हें ऐसा लग रहा था, देखो कितनी ट्रेनें गिरती थी हर महीना, जब से हम आए हैं 10 साल से बिल्कुल बढ़िया ट्रेन चल रही है, तो चल रही है कि तुम चला रहे हो, होना तो चाहिए, सारी दुनिया ये कहे, जब से आप रेल मंत्री बने हो रेल बहुत अच्छी चल रही है, एक भी रेल नहीं उतरी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, बहुत बढ़िया भैया धन्य है, तब आप कहो कि हमने करो कहा है, हम तो बैठे रहे, हम तो हमने तो कुछ करा नहीं, ये तो बहुत अच्छे कर्मचारी थे, बहुत अच्छे थे अधिकारी, और ये सब रेलों का पुद्गल का परिणमन, पटरी का पुद्गल का परिणमन बढ़िया था, वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो बढ़िया चल रही थी। सुनो अब नहीं बंद हो गया, अब नहीं बंद हो गए, जैसे रेलवे मंत्रालय ना, यहाँ से ये पुद्गल मंत्रालय है, तुम्हारे चाहने से उंगली तक तो हिलती नहीं, तुम्हारे चाहने से विकल्प तक तो होते नहीं,
तुम्हारे चाहने से कोई क्रिया तो होती नहीं। क्यों नहीं होती? उत्तर उत्तर कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने कही बे मुझ स्वभाव जो है नहीं। हम एक ज्ञायक वाओ बस इतनी सी लड़ाई जीत जाओ मोक्ष जाएगा। इतनी सी लड़ाई जो कुछ हो रहा है वो कर्म को देखे विपाक है हमारा कुछ नहीं। धर्म ध्यान है एक गाथा में धर्म ध्यान है विपाक विचय धर्म ध्यान है विपाक विचय जी कर्म बहुत दुख दे रहे भैया ऐसे पाप को होता है हम कहा होता है हम कर्मों से परेशान है मोहिनी कर्म भैया हमें तो बहुत हैरान कर रहा हूँ जो असाता देवी से तो तड़प रहे सुनो ज्ञान ध्यान है कर्मों का दुख देने वाला विचार करना कर्म दुख देते हैं उदय पीड़ित करता है कर्म भयंकर परेशान कर रहे हैं ये मोहिनी कर्म हैरान कर रहा है और ज्ञानवर्णी से हमारा ज्ञान घट रहा है ऐसी चिंतन करने का नाम तो आर्थ ध्यान है। विपाक विचार धर्म ध्यान क्या चीज है? कर्म का उदय है हम क्या करें हमारा क्या क्यों तुम्हारे चेहरा टेढ़ा कैसे हो गया क्यों जी तुम्हारे हाथ में कमजोर कैसे हो गए कहा जी बाल सफेद कहा हो गए कहा जी फेफड़ा कमजोर कहा हो गए ये तुम्हें कैंसर होगा तो हम क्या करें हम क्या करें खुदकर मंत्रालय से पूछो भारी हल्का लूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम होना उसका काम है उसके डिपार्टमेंट का हम क्या करें उसे एक ज्ञायक हमसे क्यों पूछ रहे हो जी है भेद विज्ञान अब हम नहीं बंद हो गया मैंने दुखी रहो 24 घंटा मंत्रालय देख देख करके 24 घंटा दुखी रहो अब दुबले हुए जो दुबला होता उसे तो चिंता होती नहीं गलती से तुमने वजन कर लो 5 किलो छोड़ गए 5 किलो घट गए पंडित जी 5 किलो दिन में जितनी बार लोग मिलेंगे जितने दोस्त मिलेंगे जितने लोग मिलेंगे सब पंडित जी 5 किलो वजन घट गया कौन का वजन घट गया 5 किलो पंडित कैसे पहले से तो हेल्थ अच्छी हो गई ताकत आ गई अब तो पहले से अच्छी ताकत आ गई क्या ताकत आ गई चेतन बल नहीं मिला मैंने कुछ नहीं मिला एक पुद्गल स्कंद के भारी होने से तुम अपने को भारी मानते हो एक पुद्गल स्कंद के हल्के हो जाने को तुम अपने को हल्का मानते ये मोह का गड्ढा अच्छी मधुर गाथा है एकदम बढ़िया जरा नहीं देख पाए घाट होगा सुना जरा देख पाए नहीं तुम देख रहे हो जो घाटो है पुद्गल के घाटे को घाटा देखना तुम्हारा घाटा है चेतन का घाटा है ज्ञानानंद का घाटा है आश्रम बंद हो रहा है जी घाटा है संभव विचार नहीं हो पा रहे जी घाटा है अरे तुम बिल्कुल सुखी नहीं हो पा रहे जी घाटा है तुम्हें एक रोटी की भूख थी और 3 रोटी रखी थी और 2 रोटी कौवा लेगा एक बंदर लेगा तुम्हें एक ही रोटी की भूख थी और इसके बाद तुम आज चले जाओ तुम्हें क्या होगा बता ही वो 2 बंदर लेगा तो तुम भूखे मर गए तुम्हें एक ही रोटी तो खाना थी तुम्हें खा ली छुट्टी हो गई रात गई बात गई कैसे 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 प्रयोजन याद है लब भी उपयोग अब मथुरा में एक बार बंदर रोटी लेगा तो एक बार और 25 साल बाद भी जाओगे तो वही जगह याद आई पंडित जी जहां बैठे रोटी खाए बंदर रोटी लेगा मगर रोटी तो कब के मट्टी बन गई होगी बंदर को याद नहीं होगी हमने तुम्हारी रोटी छीन ली मिल भी जाए वो मैंने होते नहीं क्या था अपनी रोटी खाई मस्त हो गए और तुम अभी तक तुम्हारा दिमाग कचरा गया है इसी बात याद रखा था रिपीट नहीं करते उस समय का प्रोजेक्ट
इन्हें ऐसी कही। अरे अपना उपयोग में गायक लोग एक गायक भाव निज सीमा में ही रहूं यही बर पाऊं बस भेद भक्ति तज बस अभेद ही ध्याऊं या अभेद में रम जाऊं। क्या कह रहे हैं? या तो भेदों के विकल्प को बुरा कह रहे हैं और तुम्हें बंदर की रोटी याद रख रहे समय फिर जाए तो भी घटना याद आई नहीं हमारी डंडी गिर गई लकड़ी गिर गई थी तो मैं तो घिर के जाने कहां से का पढ़ना मन होगा कहा होगी और तुम अभी तक मैंने तो बाबा फालतू दिमाग है फालतू उपयोग है जी हाँ कर दिन भर गुनगुना क्या जिंदगी भर गुनगुना चीज सी गा रहा है फिर से गाता हूँ मुझे तो आनंद आ रहा है। कर्मो ही के जुअने के उदय विपाक जिन भर ने कर मुझ स्वभाव जो है नहीं ने एक ज्ञायक भाव हूँ क्यों न हूँ लिख रहे हूँ ये नहीं लिख रहे पंडित हम ज्ञायक नहीं रह पा रहे ज्ञायक होने हैं बस ज्ञायक होने हैं बात तो सही है ज्ञायक होने होने नहीं है हूँ लिख रहे हूँ मैं एक ज्ञायक भाव यह निर्विकल स्व संवेद सारी शिकायत खत्म हुई हमारी पत्नी बहुत खराब बच्चा बहुत खराब से बड़े परेशान मैंने कहाँ रख दिया सामान पता होता है तो कहाँ रख दिया सामान हाँ का भी पढ़ा गया सभी ऐसे बोले थे उनको बोली वाणी अच्छी नहीं है हमें बड़ी बुरी लगा उनकी बोली वाणी उत्तर कर्म के का विभाग है तुम्हारी थोड़ी उनका भी है दो योगियों का विवाह नहीं होता दो मोहियों का विवाह होता है और पूरी जिंदगी मोह मोह से टकराते हैं उदय है ना दोनों दोनों उदय टकराते हैं अब सुनो दोनों यदि ज्ञायक हो अनुभव करें तो दोनों टकराने पर भी आनंद करेंगे टकराहट तो होगी उदय की टकराहट तो होगी तुम्हें जो पसंद है वो उसे पसंद नहीं जो उसे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं करके देख लो प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल देख लो जिससे तुम बहुत प्रेमी हो ना प्रेमी जिससे तुम्हारा बहुत प्रेम है डाइल्यूट जिसको कहते हैं हिंदी इंग्लिश में डाइल्यूट जिससे एक दूसरे बड़े प्रेम हो तो एक संग भोजन कर बैठो अब जो तुम चाह रहे वैसे उससे कहा देखा जैसे तुम रसगुल्ला खाओ तो तुम ऐसी भाई सुन रसगुल्ला खा पहले खा तो अब भाई नहीं खाने खा के दिखा दे चल रुक जाओ खा रहे अभी खा रहे पूरी को कोर तो खा ले ये कोर ले जो तो खा ले चलो अब खा ली अरे वो पूरी में स्वाद ऐसा तो थोड़ी खटाई खाने अरे अभी जीरा मन खाने अरे मजा नहीं आप मिर्ची खाने तुम क्या क्या मर जाओ नहीं खाया तो नहीं खाया बता दिया करके देख लो प्रैक्टिकल अरे एक काम कर तुम उसके अनुसार खा के बता दे अब वो कह रहा तुम खा हम कह रहे तुम 10 बार रसगुल्ला खाओ रसगुल्ले रसगुल्ला खाओ 10 बार एक आध बार तुम्हारी कह रहे खा रहे दूसरी बार कैसे खाए तीसरी बार कैसे खाए भाई ये वो मीठ मीठ अच्छा नमकीन खाएंगे करके बताओ अरे रसगुल्ला बहुत आनंद है अरे वही है तुम खाओ मेरे इतना कहकर कहना है एक का हस्तक्षेप दूसरे में नहीं चलता क्यों नहीं चलता क्योंकि बहुत खराब आदमी है मानता नहीं है हमारी सबको शिकायत है जी हमारी कोई मानता नहीं है हमारी कोई सुनता नहीं है मानता नहीं सुनता नहीं है ना औदिक भाव के कान नहीं होती लिख ले औदिक भाव में दिमाग नहीं होती लिख ले क्या कह रहे औदिक भाव में दिमाग नहीं होती औदिक भाव है ये दो उदय टकरा रहे ये औदिक भाव है सुनते ही नहीं वो देखा सुनते थोड़ी ये मानते नहीं भाई मानत अक्कल हो तो माने कौन में पहले सोच लो दुनिया में हेर फेर की बुद्धि नहीं हो तो अब शादी कर
शादी का करोगे तो होगी उदय है तो, अब उदय में विवाह हो रहा है और अंदर में निरुपाधि देख रहे हैं जे मोक्ष जाने का रास्ता, इतना इतना सा क्लिक कर जाओ तो मोक्ष जाने का रास्ता ये है। निर्जरा का रास्ता मतलब निर्जरा का रास्ता मैंने मोक्ष का रास्ता, संबंध निर्जरा है ना, मोक्ष मार्ग संबंध निर्जरा को मोक्ष मार्ग कहती है, आश्रम बंद को संसार मार्ग कहती है। मार्ग तुम तो अच्छे से फैसला कर रहे हो, तुम कर सकते हो क्या, तुम किसी के अनुसार चल सकते हो या कोई को तुम अपने अनुसार चला सकते हो, करके देखो। गजब कर्मो ही के टकराएंगे, दो टकराएंगे ही, कौन की टकराएगी है ना, केवली भगवान के औदिक भाव भी नहीं मिलते। क्या कहा, केवली भगवान के औदिक भाव भी नहीं मिलते, तुम्हारे हमारे को कैसे मिलेंगे, मानते नहीं तो हमारी बात, तुम्हारे भले की कह रहे, तुम भले की क्यों चाहे बुरे की कहो, लेकिन नहीं मानता, नहीं समझता जी, तो इससे क्या फायदा होगा, अपन निर्विकल्प हो गए, अपन निर्विकल्प हो गए जी है, निर्विकल्प नजर शुरू हो गई। हम दुखी कब होते हैं, देखो तुम्हें दुखी होने का रास्ता बताए, रास्ता मैं समझाए कि तुम्हें कोई से 10,000 रुपए लेना है उधार दे दी, उसे लेने जाना है। अब घर से तुम दुखी होगे तो किस आधार पर होगे, और नहीं होगे तो किस आधार पर नहीं होगे बताओ, कि दुखी नहीं होने का आधार तो ये हम जाए होते थे तो दुखी नहीं होगी, अब गए नहीं हो ध्यान रखना, अभी गए नहीं, लेकिन तुम्हें विश्वास ही मिल जाएंगे तो दुखी नहीं। अब तुम्हें ये विश्वास है कि वो देगा कि नहीं देगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं चला नहीं गया हो, पैसा होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, देगा कि नहीं, अब तुम उतनी टेंशन होगी। अब तुम्हें सुखी होने की विधि सीखना है, वो दे तो तुम गया है, वो नहीं दे पाए तो गया है, भाई देगा तो देगा, नहीं देगा तो अपन चिल्लाओ चाहे लड़ो झगड़ो, दे तो नहीं देगा क्यों, तो चिल्लाने लगे तो दे देगा, चिल्लाने से दे देगा, घरों में जितनी झगड़े होते हैं झगड़े, उन्हें क्या लगता है हम गुस्सा करके ले लेंगे संपत्ति बसियत तो मिल गई, बिगाड़ हो रहा, संबंधों में खराबी हो रही, भाई भाई में संबंध बिगड़ गए, जिंदगी भर के लिए बोलचाल खत्म हो गया, बाप बेटा के जिंदगी भर के संबंध खराब हो गए, एक दिन चिल्ला क्यों करने, बच्चा पढ़ मम्मी का पढ़ो पढ़ाएंगे तो मन लगता है, डांट पड़ गई तो बैट बल्ला था तो मम्मी सो रही वही सर में दे मारो वही मार डाल, बहन जग गई तो वहां में भी गई बल्ला की वो मर गई बेचारी, अब दोनों को मार दिया, अब क्या होगा, अब फायदा होगा, माँ और बहन को मार डाला अब क्या फायदा हो गया, अब क्या हो गया बता दो क्या हो गया, तुमने सोची दो बल्ला दिए काम निपट गया, काम निपट गया क्या, जेल के लाए चलेगा जिंदगी भर लाए, अब पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कमा भी के नहीं बची, शादी के नहीं बची, पिकनिक के नहीं बची, दोस्तों के नहीं बची, कोई के नहीं बची, जा जेल और जो संपत्ति भी बाकी नहीं भोग पाओ, क्या फायदा क्या हुआ गुस्सा करने से, कुछ कह रहे हैं पैसा चुका दे तो अभी क्या आता रहा, उदय का विपाक है और नहीं चुका है कोई बात नहीं, मीठे बोल कह रहा जाओ और क्या करे, अपन दुखी क्यों हो, अपन जितना जितना टेंशन करते हैं कि मेरे अनुसार परिणाम जाए उतना उतना आश्रम बन, अब तुम फैसला कर लो उदय का विपाक है, मिलेंगे पैसा तो मिलन आ रहा तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, अपने तो बहुत कम है, अभी हम दिन क्या ठहरे थे उदयपुर में ठहरे 80 लाख रुपए नहीं दे रहा एक आदमी 80 लाख, अब कितने होते हैं तो मर जाए खाने 80 लाख, लेकिन दोनों भाई स्वाध्यायशील है, परिवार स्वाध्यायशील है, संपन्न है, खूब संपन्न परिवार है, 80 लाख के लिए भैया देखो कोई बात नहीं, देगा तो दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, अपना क्या ले रहा है, अपने कर्म का उदय शांति रखो, नहीं दे रहा मत देंगे, अब मिलने होंगे मिलेंगे, नहीं मिलना नहीं मिलेंगे, इतने प्रफुल्लित चेहरा
खूब प्रबल है। क्यों? बहुत अच्छा सूत्र है, विधान के टाइम भी कहा, पहले ही कई बार कहा, विश्व में अन्याय नहीं हो सकता, विश्व में अन्याय की गुंजाइश नहीं है। क्या बोले? विश्व में अन्याय की गुंजाइश ही नहीं है। है ऐसे कैसे नहीं? उन्हें हमें खा ले, हम है लेके रहेंगे। सुना, जो लेके रहे उनको देख ले पहले अखबारों में, जो लेके रहे कैसे लेके रहे, मार के गोली मार के सुपारी लेके और उल्टे फंस के जेल चले। तुम क्या कर लोगे? जा जाए क्या करोगे? बता भाई, नहीं उसके पास नहीं देगा तो क्या जबरदस्ती ले लो, क्या करोगे? मार के तुम और चले जाओ, तुम जितना भी भोग रहे थे वो नहीं भोग पाओ, जितनी इज्जत थी तुम्हारी पूरे देश में वो नहीं बचेगी, वो नीलाम हो जाएगी समाज में। कोई उपाय नहीं, ध्यान रखो शांति का एक ही उपाय है, बोलो विश्व में अन्याय नहीं होता। यह है धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान। कौन सा विपाक विचय? कर्म का ही विपाक है, क्या करोगे आप? ये बहुत अच्छे आदमी, ये बहुत अच्छे आदमी, ऐसा लग रहा है इनके संग तो कहूँ जिंदगी भर रहे, इनसे कहूँ छूटे ही नहीं, भाव भाव में जी ही मिले, वो भी जगह कह रहे तुमने। ये तो कर्म की वजह का विपाक था, अभी चला जाएगा। तुम रहना चाहोगे तो नहीं रह पाओगे, नहीं संग क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि उदय उदय के संग टकराकर रहता है, मिलता है, बिछड़ता है। बहुत अच्छा लिखा है बनारसीदास जी ने, हमारी आपकी दशा ऐसी है जैसे बगूरे कैसे पात की। हमारी आपकी कैसी दशा है? बगूरे से कैसे, समझिए बगूरा, बगूरा समझते, चलती है तूफान, चलते हवा चलती है गर्मियों में, पतझड़ के समय पतझड़ की हवा चलती है वैसे, तो पत्ता होते हैं थोड़ी देर उड़ जाते, थोड़ी होते चले जाते, थोड़ी होता तो दो पत्ता मिल गए फिर उड़ के ऐसे चले, फिर तीसरे पत्ता से मिल गए फिर उनसे पत्ता से ही फिर उड़ा दौड़ा दो एक ऐसे ऐसे घूम रहे संग संग। अब जिस दो पत्ता संग संग घूमे, हम यहाँ से नाचते रहे जिंदगी भर, यहाँ कैसे नाचते रहे? वो तो अभी गिरते नहीं, और एक होते सरंग से एक होते सरंग से। यहाँ की दशा हो रही बबूरे कैसे पार की, उसको बबूरा कह रहे, हवा चलती रही थी पत्ते उड़ रहे थे, देखा एक आध दिन गोड़ से देखो पत्ता उड़ रहे थे। ऐसे है तुम्हारे ये परिवार, ऐसे है तुम्हारे दोस्त, ऐसे है ये समाज, बबूरा कैसे पार की। कल जो पत्ता होते बैठो तो आज तो बैठ गए पत्ता बैठ गए, कल जी कल उधर बैठे थे आज उधर बैठे, बगूरा के पास की दशा है। कल वो अंकुश वगैरह सही तो बैठ गए और बेच उठा गए, उनकी जगह खत्म हो गई, फिर तो बैठना पड़ा। अरे बगूरा कैसे पास की, हम सोच रहे कहीं बैठेंगे एक घंटा, मालूम पड़ी उठा कर रख में गए, तब तो ये भी आगे आगे सर को आगे सड़क गए, उनकी जगह खत्म हो गई। क्या सर कौन कर रहा है? कर कौन रहा है? कोई करता नहीं, हृदय का विपाक है। तो फिर क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? सुनो ध्यान से, चरणानी ध्यान सुनना, चरणानियों की शैली में निर्जरा नहीं होती, उल्टा नहीं पकड़ना, निर्जरा की रक्षा करता है, निर्जरा की रक्षा हो सकती है वहाँ संबल निर्जरा की, लेकिन होती नहीं है। समझना थोड़ा पॉइंट, क्या कहना है? आप चरणानी की भाषा में ऐसे कहो, ये जी मंदिर कहो मैं सुनते थे, ये इतना अच्छा मंदिर, इतने बढ़िया स्वाध्याय, ऐसे अच्छे भैया साधर्मी, सही में हमें तो हमारे भिंड में सही में स्वर्ग ही है, उनको तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान, बहुत अच्छा लगा। ये चरणानी की शैली बहुत अच्छा है ना। अब द्रव्यानी की शैली में करो, जैसे ना बगुला कैसे पाठ की दशा है, ये राग मत करो, ये मंदिर नहीं मिलेगा उस दिन तुम दुखी हो जाओगे, ये साधन में नहीं मिलेंगे उस दिन दुखी हो जाओगे, ये पंडित जी नहीं मिलेंगे तब दुखी हो जाओगे, ये सुनने नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे, ये बबूरा कैसे पाठ की दशा है, तो फिर क्या करें? कि सुनो अभी भी तुम यही समझो कि बबूरा कैसे पाठ के आए हैं, इनके साथ अहंकार रहने की योग नहीं बनेगा, इनके साथ योग नहीं बनेगा, सुनने का योग हमेशा नहीं बनेगा, तो फिर क्या करें? इसलिए सदा उसके साथ रहो जो सदा तुम्हारे साथ, उस ज्ञान में तुम ज्ञान देखो अपने को जो सौदा तुम्हारे साथ है, सुना उसका वियोग कभी नहीं होगा। क्या कहा?
जैसे शक्कर से मिठास का वियोग नहीं होता, मिठास से शक्कर का वियोग नहीं होता, ऐसे ज्ञान से ज्ञान का वियोग नहीं होता। जा रहा हूँ सुनो, मंदिर मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। कितने बच्चे पहले पाठशाला पढ़ते होंगे, फिर बड़े हुए अभी कहीं चले गए, चलेगा तो चलेगा, अब क्या करोगे? अब गोश्त किया तो है तो नहीं आ पाएंगे, अभी अमेरिका चले गए अभी क्या करेंगे, अमेरिका अमेरिका में रहेंगे, बम्बई चले गए तो बम्बई में रह जाएंगे। अरे हम क्या बम्बई उनकी छोड़ दे, अपन ही कुछ काम पड़ जाए तो पिताजी लेके बीमार हो गए तो झांसी जाओ, इंदौर ग्वालियर जाओ, अब गोश्त नहीं सुनकर अभी इनमें से कोई साधारण बीमार हो गए दो जने उठा लोगे और उठा ले नहीं सुन पा दे बगुरा कैसे पास की दशा है, क्या कह रहे समझ आ रहा है? ओहो भोगों में आसक्ति करने लायक नहीं है, वो भी विपाक है, और ये जो हमें योग बन रहा है देश राज गुरु का, ये भी बगुरे कैसे पास की दशा है, इनका भी भरोसा करके अनंत काल इनके संग रहने की भावना मत भाव, निदान मत बांधो, हम तो ऐसी भावना वाली बच्चे नहीं नहीं सुनो, जिसका संग तुम कभी नहीं करते उसी के संग का आनंद करो। देखा महाराज जी भक्ति में आते हैं, महाराज संग में रहते हैं कि असंग रहते हैं? क्या कह जा रहा है, संग में रहते हैं और असंग रहते हैं, असंग आत्मा असंग है, गाय का संग है, आत्मा किसी के संग नहीं रह सकता, ये भी संग नहीं है, संग है बगुरा कैसे पास की दशा है जिसमें हमें इटला रही, कितने बढ़ गया पत्ता, कितने बढ़ गया पत्ता पत्ता आ प्रभु कैसी गजब बात है। ये बात क्यों कह दी, कई लोग इसलिए दुखी होते हैं, अभी बीमार हो जाए फिर मंदिर नहीं अपन दो पांच दस साल आखिरी में रो रो के आयु काटक पूरी, अरे आखिरी दो चार दिन भी यदि मंदिर नहीं मिले तो यही बात मंदिर नहीं जा पाए, तो मंदिर तो चार दिन बाद ही छूटने छूटने की उसकी तैयारी करो ना। सुना हमें तो पहले ही मालूम था भैया इस देह के भरोसे रहेंगे तो मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर में जो मिलना था वो हमें मिल गया, वो हमने ले लिया। तुम बीमार हो बिस्तर में पड़े रहो, बोलो गोष्ठी का लाभ लेना है, कोई हो जाओ बीमार तो नहीं होना, होना नहीं मतलब हो जाओ तो, अब वहीं बैठे बैठे तुम देखो सब पारिणामी भाव की चर्चा सुन रहे होंगे, सत्संग भाव की चर्चा सुन रहे होंगे, सब ज्ञान की चर्चा सुन रहे होंगे, अब ये शरीर की वजह से और कर्म की वजह से भले ही हमें मिल नहीं रहा लेकिन चर्चा तो यही मिल रही है, वह हमने ले ली वह हमने ले ली वह हमने ले ली, आप वहीं बैठे रहो गोष्ठी का पूरा आनंद हो गया। वो गोष्ठी में बैठ करके भी अब बेही वही चर्चा बेही समय सार बेही बातें ठीक है, अपन गया भैया घड़ी देख ले भैया तेरा घड़ी को पा क्या होगा आज वो हमें काम है और मजाने मजाने वो कहा बताए व्यापार धंधे में उलझे हम यहाँ बैठे बैठे तो वही उलझी चलो बिस्तर में पड़े पड़े गोष्ठी का लाभ ले लिया और तुम तो यहाँ बैठे बैठे भी गोष्ठी का लाभ नहीं ले पाए। विपाक अब पॉइंट बदल दे, विपाक तुम्हें गोष्ठी में लाके बिठा सकता है लेकिन विपाक में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव करा दे, समझ में आए कुछ पुण्य का बजाय तुम इधर आके बैठ गए सुनाता है खाता है स्वस्थ हो आ गए कान बढ़िया सुन रहे शिवसम अच्छा सुन रहे समझ रहे लेकिन ओहो अनंत काल के लिए मैं गया कहीं हूँ यही तो मिल रहा है हर प्रवचन में यही तो मिल रहा है यही तो हमें चाहिए था यही तो हम है क्या पढ़ा दिया था मैंने एक ज्ञायक भाव। अब देखो हम तो दो तीन प्रवचन से लगातार सोच रहे कि विषय कसी और पढ़ाना बबूर कैसे पा की दशा है आज भी जब हमने स्टार्ट किया था हमें कोई नहीं चले यही पढ़ा हमें हम तो अपना आनंद ले रहे क्या बड़ी हमें जी का से आनंद लेंगे हमें क्या है कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वर ने कहे
बेमुझ स्वभाव जो है नहीं में एक ज्ञायक भाव। तुम्हें दीक्षा लेने का भाव आया, तुम पत्नी से कहो हम दीक्षा ले रहे, तुम चलने। अब नहीं जाए तो तुम दुखी नहीं होगे, कहे तो हमें मालूम तुम नहीं जाओगे, कहे नहीं जाओगे, जिन वर ने कहे क्या कहे अनेक उदय भाव है, तुम्हारा जब भाव हो तब चले जाए। प्रद्युम्न चरित में आता है, प्रद्युम्न कुमार जी को दीक्षा लेने का भाव आया, तो अनुमति ले ली राजसभा में पिताजी से, दीक्षा लेने की अनुमति ले ली। तो घर आए, घर आए मैंने कमरे में आए अपनी पत्नी से पूछने, पत्नी से पूछने आए कि हम दीक्षा लेने जा रहे जाए। बोले का तुम घर आ गई नहीं, तुम हमसे पूछ भी आए का तुम्हें यदि बहरा गए हमसे पूछ लो की क्या जरूरत है। बोली कैसी नहीं, कमरा में गई सफेद साड़ी पहन के आए, तब कहिए भाई तुम पूछत रही हो हम जा रहे तुम पूछत रहो, अरे तुम बहरा गए तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी, राजसभा से सीधे चले जाते, हम तुम्हारे कौन जब तुम्हें दीक्षा ले लेता तो हम कौन बता, हम तुम्हारे कौन, हम मना कर दे तो नहीं दिया, जब तुम बहरा गया तुम पूछ रहे आए सफेद साड़ी पहनी और जंगल में चली अब बताओ तो तुमने ने सोची भी नहीं हुई है कि पहले हमारो पत्ता सरकेगा इनको फिर तुम सोच रहे होंगे जब रोन लगेगी, जब ऐसे करन लगेगी, जब ऐसे ऐसे करेगी, कभी मन आएगी, कभी करेगी, राजसभा में यहाँ तक सोचा सोचा तो आएंगे, मैं सोचती तो आई, फिर ये कहेंगे देखो यहाँ करने से फायदा नहीं है, अब ऐसे कहेंगे अपन, अपन उन्हें समझाएंगे बुंदेलखंड की भाषा में कहा तो मोंग जाओ वहां से अरे क्यों बोल जाओ मालूम पड़ी वो पत्ता पहले ही सरक गया, दीक्षा लेने चली ही गई। मैंने हम इसलिए कह रहे हर कदम पर ये सोचो कर्म की उधर विपाक है, बहुत आनंद की बात है, बहुत ही आनंद की बात है, हम तो प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। इधर से सास उठ के मंदिर गई, उसे घर गई, अब उसे गई बेटा आज पेट में दर्द है थोड़ा दलिया बना दी, अब पहले सोच ली बापो उदय हो तुम्हारे उदय अलग अलग, तुम्हारे उदय में दलिया मिलने हुई तो बनाएगी वह, और बाकी उदय में इतनी भक्ति हो नम्रता हो तो उतना उदय ध्यान रखना, उदय बहु खराब कभी नहीं होती, तीव्र उदय होगा वो खराब होता है और मंद उदय होता है वो अच्छा होता है, तो मंद उदय होगा तो बना देगी। अब वक्त ही तीव्र उदय में कई बार पति देव तो आज डांट के चले गए थे तो गुस्सा में थी, और बस यही सोच रही है मम्मी ने शिकायत करी हुई है, अब मंदिर में जाके बैठ गई पटरानी अब वो गुस्सा में थी भयंकर, उन्होंने आगे धीरे बेटा थोड़ा सा दरिया ओढ़ दे, थोड़ा सा थोड़ा सा हम नहीं बनाने तुम्हें खाने तो खा लेने चूल्हे नहीं जाओ, कच बात नहीं तो कच बात कोई बात नहीं, मैं गई कोई बड़े भारी काम थोड़ी तो इतनी तकेली नहीं तो फाइन आदि का कोई दक्षिणा बैठ के माला फेरत नहीं अपने आराम से, अब फरकत रही देखत रही तो बस हो जाएगी जी हमसे कचिल लाएंगे तो झुकाएंगे तो झुकाएंगे, अब भी कचू बोलेंगे गुस्सा शांत होगा कभी, बहुत अच्छी थी मतलब गुस्सा खराब हो चीव कसा है खराब हो मन कसा है थोड़ी अच्छी हो खराब तो भाभी अब कहा वो तुम इतनी ठंड में परेशान हो रही, चलो हम बना दे रहे तुम जाओ बिस्तर में बैठ जाओ तबियत खराब नहीं बेटा कच्ची बात नहीं कच्ची नहीं ऐसी कच्ची बात क्या तुम गुस्सा नहीं आ रही, नहीं बेटा आ रही तो वो मंत्र मिलो हम थोड़ी देर पहले तुम तीव्र हो जाए तो अमन हो जाए कोई बात नहीं बेटा तुम बुरा नहीं लगा था हम ऐसे चाय जैसे झल्ला के बोल दे, अरे बेटा गटर में पड़ा हुआ हीरा अच्छा ही लगता है क्या कह रहे गटर में पड़ा हुआ हीरा भी शोभायमान है अपने स्वरूप सौंदर्य से, ऐसे बेटा तीर कसाई के उदय में भी तुम तो भगवान के आए हो
हम भी क्या आए गए, हम तुम भी आए, हम भी आए, बस खुश रहो, कोई बात नहीं, प्रसन्न रहो। बोलो निर्जा होगी क्यों नहीं होगी, बोलो निर्जा होगी कितनी, अब सोचो कितनी अच्छी बात है। सच कह रहे, एक दिन तो बहुत है, एक दिन में तो आनंद ही आनंद हो जाए। अब सास चिल्लाने लगी सो बहू बड़ी शांत रही। पति ने आके पूछी, बेटा ने बहू से पूछी, कहे अम्मा इतनी चिल्ला रही, तुम बुरा नहीं लग रहा, ले मम्मी के पास, तुम भी कहते करो, कहा जवाब हो तुम, अच्छी नहीं अम्मा बहुत अच्छी है, तीर का सारा खड़ा अच्छी है। दर्शन बोलो वही वाला गटर में पड़ा हुआ, गिरा तो स्वरूप सौंदर्य से अच्छा है, स्वरूप सौंदर्य से सोभा मन में। फिर बाद में सास ठंडी हो गई, बेटा तुम्हें कभी बोलो नहीं मानी, बेटा क्या आई हमसे, कोई बात नहीं बेटा तीर हो गए है, हम तो खुश है। बोले क्या है, जब तुम जोर से बोला तो हमारी बहुत सारी निर्जरा हो जाती। मंत्र मिल गया, हमारे काम खुश है, इतनी सरल विधि है। कोई दोस्त या लड़ाई झगड़ा हो गया व्यापार धंधा, चैपे में मत पड़ो, सरक जाओ, बाद में थोड़ी बार फोन करो, एक घंटा बाद भैया पैसा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, प्रेम बड़ी चीज है, पैसा ही क्या करो, यदि तुम्हें मन अच्छा लग रहा हो तो आ जाओ थोड़ा नाश्ता कर ले, एक फोन ही कर दी, इतने में तो बेचारा पानी हो जाए। बहुत सोच रहा था जो फोन जी वैसे लगा रहे, हम इसलिए नहीं लगा रहे, हम तो बात्सल्य है, सुना तीन लोग की संपदा देने पर भी यदि बात्सल्य मिलता हो तो उसका आदर करो, बात्सल्य बहुत बड़ी चीज है, बात्सल्य से तीर्थंकर पद मिलता है। तीन लोग की संपदा छोड़ देने लायक है, धूल है वो धूल, धूल छोड़ देने लायक है, बात्सल्य तो बहुत अच्छी चीज है, खूब करा। अब सही बता ना, ऊपर ऊपर भी दो तीन लोग अच्छे हो जाए तो बच्चों में संस्कार देने पड़ेंगे, क्या बच्चों में संस्कार देने पड़ेंगे, बच्चों में संस्कार तो अपने आप हो जाएंगे, बच्चे खुद ही देखेंगे, बताओ मम्मी कभी दादी की उपेक्षा नहीं करते, और कभी मम्मी चिल्लाती तो दादी कितना प्रेम भरा है, देखो देखो मम्मी दादी, कभी दादी ने आज तक मम्मी की बुराई नहीं करी, बस बच्चों में संस्कार हो गए, फिर बच्चे पूछे कहे, कभी बच्चा ही पूछे मम्मी जी लड़ रही हमारी बिन्नू, बेटा अंतर्मूर्त बात जाइयो, मान जाइए अंतर्मूर्त बात, बच्चे जिंदगी भर की फॉर्मूला याद रखेंगे अंतर्मूर्त, और जब बिन्नू अगली बात चिल्लाई बच्चों बैठ गया, बिन्नू कर दी, अब ठंडी होगी थोड़ी देर बाद, कहे भाई क्या तुम्हें हमारा बुरा नहीं लगे, अंतर्मूर्त हमें मालूम थी तुम इतनी ठंडी हो जाओ, बोलो बच्चों में संस्कार नहीं है। मैं सच कहता हूँ इतना अच्छा लगता है कि बच्चों को कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे और संस्कार मिल जाएंगे और भगवान बन जाएंगे, कहते हैं सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दो ही मिल जाए मतलब प्रेम हो जाए, संग खाए उठे बैठे सब, फिर देखो साल भर अच्छे से रहने लगे, मतलब कबो एक दूसरे बुरा ही ना करें, तो फिर पूरे देश की पार्टी को सुधारने पड़ेंगे, कांग्रेस के जितने मेंबर हैं, ये भैया जी दो ही तो मिलके अपन खा भी रहे, आजा भैया राम मंदिर बनाएंगे, कभी कभी दो ही मिलके बात समझ गए, दो ही समझिए, ऊपर ऊपर के लोग मिल जाए तो नीचे के बच्चों में कौन सा सुधारने पड़ेगा, ध्यान रखना ध्यान, देखो ये निर्जरा की विधि बता दी आपको, निर्जरा की विधि सम्मान निर्जरा की विधि है, उदय का विपाक है, हम क्या करें बता, और पक्की बात है अंतर्मूर्त में ठंडा होता ही है, तो गुस्सा आ रही है ना, हम हमें ही गुस्सा आ रहा है, हम लिखने लगे आपने गुस्सा की सारी बातें लिख दी,
फिर अंतर्मोत बाद पड़ दे फिर काट जा जब तुम्हें धर्म के विरुद्ध फला के विरुद्ध जो भी कोई विचार लिख लो, लिखने में मत जाओ, लिख लो माता पिता के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध, जो भी तुम्हें पाप के विरुद्ध लिख लो सर, हमें यहाँ भी गुस्सा है मार डाल, लिख लो यहाँ भी गुस्सा है मार डाल, लिख दे कोई दिक्कत नहीं, अंतर हो तो बात पढ़ के लिए होगा को मारे कार को मारे रेंत दे देख लेना लिख के अजय काम करो लिख के करो एक काम आगे बात है। अब सोच कितनी सुंदर विधि भगवान ने बताया कि तू भोगों में प्रवर्तते हुए, भोगों में प्रवर्तते हुए माने कर्म के उदय का विपाक, कर्म के उदय का विपाक है। नहीं ना भगवान ने सोच ली चलो शादी कर ली, देखो सोच ली चलो नहीं मान रहे आओ, नहीं मान रहे कि नहीं प्रस्ताव आया एक्सेप्टेड चलो चलो बारात ले चलो, इसको हम नहीं ना तो तैयार ही हो गए थे, अरे भाई नहीं बारात ही चल गई, सारे मेहमान जुड़ गए, मेहंदी लग गई, हल्दी लग गई, सब कहाँ होगा उधर भी होगा, बता कोई सोचा तो बारात रुक जाएगी, उनने भी नहीं सोची हुई बारात रुक जाए, छोड़ी एक काम करो प्लान बनाओ अपन ले जाके वहीं से जाएंगे, प्लान बनाने नहीं था मैंने शादी के लिए तैयार हो गए थे, बात पूछना भगवान का भी है मैंने बारात उनकी भी हो गई थी, मल्लीनाथ मल्लीनाथ भगवान उनकी भी बारात चली गई थी, चली गई थी अब चलिए, और फिर सोवा देख के उन्हें जाति स्मरण हो गया अपने आप, मल्लीनाथ भगवान बस छोड़ के चल दी, नहीं तो इनके बारात गई हो फिर योग, अब पता ये विपाक का ज्ञान है कि नैनीनाथ भगवान की गलती है, कौन की गलती है ये विपाक है, वे क्या करें वे भी क्या करें, अब राहुल भी प्रसन्न विपाक है बेकार है, नहीं तो राहुल को राहुल नहीं राजुल राजुल इतनी गाली देने चाहिए कैसो आदमी ब्याह नहीं करने से कहा हुआ है, इतनी अक्कल नहीं है, दस बार मोक्ष गांधी तीर्थंकर इतनी बुद्धि नहीं है, ऐसे जाने चाहिए बारात छोड़ के, और यहाँ तो आदर्श लेकर कितने लड़का भी ऐसे बारात छोड़ के जाएंगे तो क्या हुई राजू ने ऐसे खोज चले गए आप छोड़ गए, थोड़ी देर तो लगा बारात चली गई छोड़ चले गए, अरे उनका क्या दोष विपाक है, वो भी धर्मात्मा है सम्यक दृष्टि विपाक है, कठी बात आप चले गए हम भी आ रहे हम भी आ रहे, तुम्हारी शादी नहीं तो हमारी भी नहीं छठी, बाकी तो आप समझते हैं सर विपाक का निर्णय करने पर राजीव को कोई शिकायत नहीं थी नैमिनाथ से, और नैमिनाथ को कोई बात नैमिनाथ भगवान की आकुलता नहीं थी क्या बिचारी बाबो क्या हुई रो रो के मर गई बिचारी, कितनी इंसल्ट हो रही होगी सारी लड़कियों में सारी सहेलियों में सारी वही हुई बातें चल रही है पूरे रिश्तेदारों में वही हुई बात चल रही, बिचारी के भाग फूट गए बिचारी के भाग फूट गए, नैमिनाथ ने नहीं सोची कुछ, दुनिया ऐसी चलती है नैमिनाथ ये बैठे अंतर्मूर्ति भी नहीं लगा केवल वो क्या नाम है मनोपरिय ज्ञान, मनोपरिय कितनी विशुद्धि होगी जो मनोपरिय ज्ञान हुआ होगा, राजीव के बारे में जरा नहीं सोची ये दुनिया ऐसे ही चलती है, यदि वो समझदार होगी तो निराकुल रहेगी और यदि समझदार नहीं तो उसे कोई सुखी कर सकता नहीं, राजीव के विपाक का विचार करके शांत रहे राजीव उनके विपाक का विचार करके शांत रहे, इधर ये निर्विकल्प रहे मनोपरिय ज्ञान उधर वो निर्विकल्प थी सम्यक दर्शन कुछ करते करते एक भाषा में कहो तो पंचमोणस्थान जैसी संयम जीवन जीने लगी, 56 दिन बाद उनको केवल ज्ञान हुआ जिन्होंने आगे दीक्षा ले ली, 56 दिन घर में रही मर्यादित जीवन खान पान आधा कपड़ा सफेद बस दीक्षा लेना, कौन ने कराया जी कौन ने, अब जितने मिथ्या दृष्टि होंगे उतने तो बहुत गालियां रही होंगी, वे तो दुखी भय होंगे कैसे ये बताओ अक्कल नहीं है, और फिर उन्हें बुलाया ना दे रहे होंगे श्री कृष्ण का ऐसे ही तुम्हारे जी भांजा भतीजा भतीजा कैसे ये बताओ,
हाँ जो भी कुछ कहा हो कहते हो अज्ञानी अज्ञानी जैसे पढ़ना ज्ञान ज्ञानी जैसे पढ़ना। इसीलिए एक बहुत अच्छा परिचय है मुनिराजों के जीवन में 22 परिचयों में निंदा निंदा नाम का एक परिचय है। मुझे नल के कमरे चले यार काम ही काम रूस होते रहे ज्ञानी ज्ञान रूस होते रहे अज्ञानी अज्ञान रूस होते रहे। कोई खोटी कल्पना करता है कोई अच्छी कल्पना करता है भी अपने सहज से जा रहे बालक जब तो कोई पत्थर दे मारा किसी ने गाली दे दी किसी ने कुछ कर दिया उन्होंने लिखा है कोई खेच बंद सो खंभ सो बांध है कोई पावक मैं दे पर जा रही पावक मैंने अग्नि में जला दे कोई खेच खंभ सो बांध है कोई खंभा से बांध दे तो भी मस्त मुस्कुरा रहे कहे अज्ञानी की ऐसी दशा हो रही है इसमें क्या आश्चर्य और ज्ञानी ऐसी स्तुति रूप प्रणम थी इसमें क्या आश्चर्य दोनों में आश्चर्य दोनों में संभव केवल ज्ञान गए मोक्ष छठ जी। हाँ हमें कितनी गुस्सा है कैसे आदमी इन्हें समझ में नहीं आ रही हम साधु हैं विकल्प ही नहीं आया ये कह रहे विकल्प नहीं आया जी ये हमें नहीं पहचान पा रहे जी हमें नहीं पहचान पा रहे। अरे आचार्यों साधुओं की तो क्या बात कर रहे हैं शेष सुदर्शन जी हम नहीं पहचान पा रहे मत पहचान हमें क्या पता तुमका पहचान होगी बता कौन किसको पहचानता है जल्दी बोलो हैं अभियान की माता बोलो बढ़िया विपाक विपाक को पहचानता है विपाक विपाक को नहीं पहचानता है मैं तो ये न्याय बहुत सज्जन बनने की गाथा है सज्जन हो जाओ सम्यक दृष्टि हो जाओगे घर में पिताजी के मुंह रखेंगे अक्कल नहीं है जब दो कोड़ की अक्कल नहीं शांत हो जाएगी शांत बोलो इस समय इनके समझने का कारण नहीं है जब ये समझेंगे तब ये स्तुति करेंगे अभी नहीं करेंगे अभी तो शांत बिल्कुल शांत रहे कहे बोलत नहीं है बंड मौसीला थोड़ी देर में अपने शांत हो जाएंगे अपन अपन उनके ध्यान रखना शत्रु को जीतने का सबसे अच्छा मानते उसकी सेवा करने लगो उसकी प्रशंसा करने लगो उसकी उसके हित की चिंता करने लगो। विश्व में कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो शत्रु को जीत ले कोई गाली ऐसी नहीं बनी जो शत्रु को जीत ले कोई भी AK-47 नहीं है ऐसी तलवार नहीं है जो शत्रु को जीत ले है ना ध्यान रखना सभी लोग जो तुमसे नाराज हो उसके हित की चिंता करने लगो वो जीत लोगे आप बस क्या बोला जरा मंत्र बोलो शब्द उसके हित की चिंता करो उसके हित ही बन जा जीत लोगे आप। अरे एक शत्रु नहीं पूरे विश्व को जीत लोगे सुनो कर्मों को भी जीत लोगे हित ही बन के तो देखो अब पिताजी नहीं सास नाराज बहुत ही नाराज बहुत चिल्ला चौंट लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं उनकी हित की चिंता करो आज उनके दाल में घी ज्यादा डाल दी हम दे उन्हें घी घी तो हम कह रहे हैं घी ज्यादा चाहिए का है जो ज्यादा चिल्लाते वहां गर्मी बढ़ जाती जो ज्यादा दुखी हो ज्यादा नाराज हो वहां घी की जरूरत हो करके देख लेने का कोई सिर में गर्मी हो तो घी की मालिश कर दे पानी डाल के घी की मालिश कर दे देखो ठंड हो जाए घर के मौका दिक्कत जो भी नाराज हो रहा कोई भी बहू नाराज हो रही तो बहू को अच्छी घी खिला शक्कर घी से चावल खिला दे ठंडी हो जाएगी सही है गलत नहीं कह रहे प्राकृतिक चिकित्सा सही है जी प्राकृतिक स्नेह मिलता है प्रेम मिलता है करके देखो अब भी खिला ही रहे थे और तुमने और उनकी कसाई बढ़ा दी उन्हें और भड़क गए और तुम नाराज होकर चले गए दो बातें और बोल के और चले गए बेटा हुआ तो बोल के चले गए चिल्ला चौट करके मैं दिन भर सोचते रहे रात भर सोचते रहे तुम फिर हंसिया जी ने भी नहीं हाथ भी नहीं पैर तो छू नहीं दूर ही हुई कुशल क्षेम नहीं फिर हम एक बात कह रहे तुम चले भी गए कोई बात नहीं क्योंकि तीव्र कसा है ना व्यापार चले गए मंद कसा हो तब सोचो अब क्या करना है रिश्ते बिगाड़ना है कि संभालना है बोलो सुनो विश्व में कोई सजा नहीं होता यदि तुम ज्यादा तानोगे तो यही पिताजी नरक में शत्रु बन के मिलेंगे यही बेटा नरक में शत्रु बन के मिलेगा फिर सागरों तड़फोगे तुम
नहीं हमें नहीं बिगाड़ के चलने, हमें तो बना के चलते हैं बस छुट्टी। घर आते थे रोटी खावे आए, कहे पिताजी रोटी खाए कि नहीं खाए, कह लो पूछ पिताजी रोटी खाए कि नहीं खाए, खा तो लई ऐसे एक आध रोटी खाए। आज हम समझ गए हमारी बात और हमें तकलीफ हुई, जैक पहुंच गए पिताजी के पैर पकड़ ले, थोड़े यहाँ सहलाए थोड़ी सी, पिताजी क्षमा करा, सब हम बोल गए ईव का साय में हमसे बोल गए, हमारे यहाँ से भाव नहीं है, आप क्षमा करा, बोल लेंगे दो मिनट ला लें दो ने पिताजी अब उठो, हम रोटी तभी खेल जब आप खा, हम तभी खिलाए बस, ये समझ लो आपने नरक जाने से बच गए, इतनी सी व्यवहार कुशलता में नरक जाने से बच गए आप। ध्यान रखना तीव्र कसाई में अपराध होते ही हैं, लेकिन अपराधी तो वे हैं, अपराधी ये नहीं है कि तीव्र कसाई में अपराध होता है इसलिए तुम अपराधी हो, अपराधी तो वे हैं जो मंद कसाई आने पर भी उसे सुधारते नहीं, क्षमा नहीं मांगती। झट पहुंच गए पिताजी आपको भोजन नहीं, हम नहीं करने वाले, खा ली हमने तो, नहीं आप यहां से बोल रहे इसका मतलब हमने नहीं खाए, चलो एक रोटी खा ली एक और खा ली, चलो अब तू नहीं मान रहा हो तो अच्छा कितना अच्छा लगे पिताजी ने, मानो पिताजी ने अच्छे से रोटी नहीं खाई तो तुम्हारी बहू भी उनको भड़कत रहेगी, उनकी मम्मी मन तुम्हारी मम्मी उनकी पत्नी वे भी दुखी दुखी बने रहेंगी, जैसे घर में नरक है नरक है क्लेश है, पूरा घर नरक चले जाए। एक जरा क्षमा मांगने से व्यवहार कुशलता से सारा परिवार अच्छा हो जाए। फिर से सुन लो बस अंतिम बात कह रहे भैया हमें तो जिंदगी लगी गोष्ठी हुई, ये क्या है सवा नौ से प्रवचन होंगे का, पंडित साहब के प्रवचन का लाभ कैसे लगा, ग्यारह बजे का प्रवचन थोड़ी होंगे ठंड में कैसे होंगे, आप ये समय की अब आदत डाल लो, हम भी लेट छोड़ा तो हमें अच्छा नहीं लगा, 60 मिनट तो पूरे करने ही कल तो जल्दी छोड़ दिया था लेकिन आप बस छोड़ दो। सभी लोगों को एक चिंता है, ध्यान से सुन लो, सभी लोगों को एक चिंता है, सभी लोगों को एक चिंता है कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ जाए, हमारे बहुएं अच्छी हो जाए, है ना, सबको चिंता रहती। लेकिन फिर समझ लो नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी नहीं मिलेंगे तो पूरे देश में दंगा होंगे, हमारे लिए क्या कह रहे हैं, पूरे देश में होंगे भी तो दंगा, जिनकी उराई बुराई कर रहे जिनकी बुराई कर रहे जिनकी उराई कर जिनकी उराई कर रहे, तो फिर उनके जितने हैं पूरे देश के सदस्य भी तो लड़ेंगे पक्का, और सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों केसरिया झंडा पकड़ के आएंगे राम मंदिर बनेगा। अरे सब अब हमने पढ़ गया पूरा काम, मैंने तुम कहा समझे दो आदमी में इतनी ताकत है, दो आदमी कहते थे ऐसे घर के बड़े दो मेंबर बाप बेटा सास बहू दो मेंबर अच्छे हो जाएं पूरे परिवार में संस्कार अपने आप अच्छे हो जाएं। हम क्या कहें ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ेंगे मोक्ष हो जाएगा, बोल कितनी सुंदर गाथा है, कर्मों के ही विरुद्ध विपाक है, जिन देव ने कहे मैं उन भाव रूप नहीं हूँ, उनके भाव रूप नहीं हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ, विचार करता ओम नमः।